नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आरडी शर्मा से नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.17 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसके अंदर माइनस को कॉमन ले लेता हूं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट, माइनस को कॉमन लूंगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2x आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, आपको करने की जरूरत नहीं। अब x का कोफिशियंट क्या है, 2, 2 का हाफ कर दो कितना आ जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब इस 1 को आपको एड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस 1 को मैं ऐड कर देता हूं, ये मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, और इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, अब ये माइनस, फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट प्लस का 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x आपके पास है x माइनस 1 अपॉन a है 1 और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट, माइनस को कॉमन लूंगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, 3x माइनस का और 8 आपका माइनस का। अब इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, अब x का कोफिशियंट देखो 3, 3 का हाफ क्या होगा 3/2 और इसका स्क्वायर 9/4। अब इस 9/4 को मैं ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। पहले तो मैं ऐड कर देता हूं, ये 9/4 को मैंने ऐड किया और ये मैंने 9/4 को सब्ट्रैक्ट किया और माइनस का आपके पास क्या है 8। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस, इतना पोर्शन बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 8 4 जा 32 माइनस का और माइनस का 9, तो हो जाएगा माइनस का 41 अपॉन 4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 41 को लिख दूंगा अंडर रूट 41, 4 को लिख दूंगा 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट प्लस का क्या हो गया, रूट 41 अपॉन 2। ओके, और माइनस का एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स का। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स आपके पास है एक्स माइनस 3/2 अपॉन ए, रूट 41/2 और प्लस सी। अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे
तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2, ओके 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और माइनस आपका 3, और डिवाइड में क्या है अंडर रूट 41/2 और प्लस का c। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41, ये इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, इसको आप नोट करें। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड के जैसा ही है, सभी में लगभग एक ही अप्रोच लग रही है। ओके, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 5 - 4x - 2x². सबसे पहले आप माइनस को ही कॉमन लो, ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा अंडर रूट माइनस 2x² प्लस का 4x माइनस का 5। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यूनिट करना है तो 2 को कॉमन ले लो तो बाहर क्या आएगा 1/√2। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 को कॉमन लिया तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस का 5/2। ठीक है, मैंने क्या किया इसके अंदर से 2 को कॉमन ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो 1 हो गया, अब x का कोफिशियंट देखो क्या है 2, 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 को ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है तो I इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 को ऐड कर दो पहले, ये मैंने ऐड किया, उसके बाद आपके पास क्या है माइनस का 5/2 और अब मैं माइनस 1 कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन माइनस अंडर रूट लगाकर, अंडर रूट से बाहर मत निकालना माइनस को, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7/2, जिसको हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर। अभी माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है 7/2 इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला बन गया तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है साइन इनवर्स x, x आपके पास है x प्लस 1 और अपॉन में a, a आपके पास है रूट 7/2 तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा अंडर रूट 2/7 और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1। ठीक है इसे? ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 3x² प्लस का 5x प्लस का 7। ठीक है, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/√3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x/3, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा ना और प्लस का 7/3। ओके,
अब x का कोफिशियंट देखो, x का कोफिशियंट क्या है 5/3, इसका हाफ कर दो, हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5/6। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/36 आ जाएगा। ये ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x/3। पहले हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करना है 25/36, तो 25/36 ऐड कर दिया, और उसके बाद आपको दिया है प्लस का 7/3। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 25/36, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 5x/3 और 25/36, ये बन गया x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आएगा i इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और प्लस इसको सोल्व कर लो आप, एलसीएम क्या आ जाएगा 36 आ गया, 3 का डिवाइड करेंगे 12 से उन जा 84, और माइनस का 25 कितना बचेगा 59। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 59/36 को √59/6 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/√3 log x आपके पास है x प्लस 5/6, ओके। उसके बाद प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस का 5x/3 प्लस 25/36 और प्लस का क्या है a स्क्वायर का मतलब 59/36, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे, देखो इसको ही सोल्व कर लो, 25 एलसीएम तो 36 है इन दोनों का, तो 25 प्लस आपका 59 इनको ऐड करेंगे तो 84/36, 12 से कट जाएगा 7/3। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1/√3 log ऑफ x प्लस 5/6 और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 5x/3, इन दोनों को सोल्व किया तो आपके पास क्या आया प्लस का 7/3, ओके, और प्लस का सी, ऊपर भी प्लस का सी, ओके स्टूडेंट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं, इसको आप नोट करें। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है तो इसके जैसा ही, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आपका क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको दूसरी ट्रिक से करवाता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस अल्फा और इसके मल्टीप्लाई में दिया है बीटा माइनस एक्स, ओके। चाहो तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। अब इसको दूसरे मेथड से देखो कैसे करता हूं, मैं यहां एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है ना। तो लेट एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आप चाहो तो बीटा माइनस एक्स को भी टी स्क्वायर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला काम तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस का अल्फा, क्लियर। अब दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करेंगे तो dx के इक्वल में आ जाएगा 2t और dt, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बन गया 2t और dt अपॉन में अंडर रूट, इसको हमने लिया टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर और ब्रैकेट में बीटा माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर प्लस अल्फा, बाहर माइनस है तो माइनस का अल्फा, क्लियर। अब इस स्क्वायर से देखो, मैं इसको बाहर ही निकाल लेता हूं, एक काम करता हूं टी स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, क्लियर।
अब इस टी से ये टी कैंसिल, टू को बाहर कर दो, टू को बाहर किया तो आपके पास आ गया डी टी अपॉन में अंडर रूट बीटा माइनस का अल्फा माइनस का टी स्क्वायर। क्लियर? अब बीटा माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, टू बाहर है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स आपके पास है टी अपॉन ए, ए आपके पास है अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा और प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, तो यही लिख देता हूं मैं अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया क्या है, हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले तुम माइनस को ही कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 7। अब x स्क्वायर का कोफिशियंट 1 करना है तो 2 को कॉमन ले लो, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस 2 को कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया 3x बाई 2 और माइनस का 7 बाई 2। ओके, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पहले से 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का कोफिशियंट क्या है 3/2, 3/2 का हाफ क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 3/4 होगा, और इसका स्क्वायर 9/16, इस 9/16 को आप ऐड करो और सबट्रैक्ट करो तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2। पहले 9/16 को ऐड करते हैं, तो लीजिए ये मैंने 9/16 को ऐड किया और ये मैंने सबट्रैक्ट किया, ठीक है, आगे आपको दिया है -7/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 9/16 ये बन गया एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस ये किसका होल स्क्वायर बन गया एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो माइनस का 9/16 और माइनस का 7/2 दोनों का एलसीएम क्या आएगा 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये 8 टाइम 8 इंटू 7 56 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 65/16 क्या आ जाएगा 16, जिसको हम लिख देंगे अंडर रूट 65/4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये प्लस का हो जाएगा, ओके अंडर रूट 65/4 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आई इज इक्वल टू 1/√2 तो पहले से है, ओके साइन इनवर्स एक्स, एक्स आपके पास है एक्स प्लस 3/4 अपॉन में ए, ए कितना है रूट 65/4। अब क्या करना है आपको एलसीएम लेना है ऊपर वाले का एलसीएम सिंपल है भाई, क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 3 और डिवाइड में रूट 65/4 और प्लस का सी, लीजिए 4 से 4 कैंसिल तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/√2 साइन इनवर्स 4x प्लस 3
और अपॉन में रूट 65 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं 7। तो देखो 7 भी इसके जैसा ही है, बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, सेम मेथड से ही इनको सोल्व करना पड़ता है। सभी में आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप माइनस को ही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो लीजिए माइनस कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर, dx अपॉन अंडर रूट, ये मैंने माइनस को कॉमन लिया, कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का, और ये आपका हो गया माइनस का। आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पहले से 1 है, एक्स का कोफिशियंट देखो 6 है, 6 का हाफ सभी को पता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ये भी पता है, तो 9 को ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सा काम है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 9 को आप ऐड कर दो, तो लीजिए साहब ये ऐड कर दिया और ये सबट्रैक्ट कर दिया, और माइनस का आपके पास है 16, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक्स प्लस 6x प्लस 9, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस, ये बन गया साहब आपका एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 9, माइनस का 16, माइनस का 25, ओके। अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मलिटी पूरी करनी है आपको, डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25 और माइनस का एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, सिंपल ये तो फॉर्मूला बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं, साइन इनवर्स एक्स, एक्स बोले तो एक्स प्लस 3 अपॉन ए, ए बोले तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ए हो गया 5 और प्लस सी। लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सिंपल है, इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लो। तो लीजिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, माइनस को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का, 6x प्लस का, 7 माइनस का, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक्स का कोफिशियंट 6, 6 का हाफ सभी को पता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट, डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 9 को ऐड कर दो, तो लीजिए साहब ये मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने सबट्रैक कर दिया, आगे क्या है माइनस का 7। अब देखिए ये फिर से एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, सिंपल है ना। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस, ये बन गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 9, माइनस का 7, माइनस का 16, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 16, जिसको हम क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और माइनस का एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साहब साइन इनवर्स एक्स, एक्स बोले तो एक्स प्लस 3 अपॉन ए 4 और प्लस सी। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन को लीजिए, लास्ट क्वेश्चन यही कर देते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस का 2x। सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 करूंगा, तो 5 को ही कॉमन ले लो ना, तो 1 अपॉन रूट 5 हो जाएगा,
और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 5। अब x का कोफिशियंट क्या भाई, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 का हाफ करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 का स्क्वायर 1 अपॉन 25, ये ऐड कर दो और सब ट्रैक कर दो सिंपल, तो 1 अपॉन रूट 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 5। अब देखिए 1 अपॉन 25 को ऐड किया और लीजिए साहब ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अब इतना पोर्शन देख लीजिए, एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर बन गया, तो 1 अपॉन रूट 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ये बन गया एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/5 का होल स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला बन गया सीधा ही, तो 1 अपॉन रूट 5 किसका फॉर्मूला, लॉग ऑफ एक्स, एक्स बोले तो एक्स माइनस 1/5 ये तो आपका एक्स हो गया, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये सीधा ही लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25 और माइनस ए स्क्वायर, लीजिए माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 25 और प्लस में सी लो प्लस माइनस कैंसिल, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 5 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/5 ओके, और प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 5 और प्लस में सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.17 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।